बॉलीवुड की धाकड़ और सोशल मीडिया पर बड़बोले बयान देने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। एक्ट्रेस को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। दरअसल कंगना रनौत ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो योग मुद्रा में बैठी हुई नजर आ रही है। इस दौरान एक्ट्रेस ने ग्रे कलर का सूट पहन रखा है और शांत मन से ध्यान लगाया हुआ है। वहीं कंगना का कैप्शन फैंस का अटेंशन ग्राब कर रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी आंखों में हल्की जलन के साथ थका हुआ और कमजोर महसूस कर रही थी, हिमाचल जाने की उम्मीद कर रही थी, इसीलिए कल मेरा कोविड टेस्ट हुआ और आज नतीजा आया कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। एक्ट्रेस आगे लिखती हैं कि मैंने खुद को समझा है, मुझे नहीं पता था कि यह वायरस मेरी शरीर में आएगा। अगर आप डरते हैं तो आपको ये बहुत अधिक डरा देगा। आइए इस कोविड-19 को नष्ट करते हैं। यह एक छोटे समय के फ्लू के अलावा और कुछ नहीं है, जो बहुत अधिक दबाया गया है और अब कुछ लोगों पर विचार कर रहा है। हर हर महादेव। बता दें कि कंगना रनौत पर हाल ही में हिंसा फैलाने का आरोप लगा है, जिसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रिजु दत्ता ने कोलकाता के उल्टा डांगा थाने में कंगना के खिलाफ हेट स्पीच फैलाने का आरोप लगाते हुए उन पर मुकदमा भी दर्ज कराया है। जी हां, रिजु दत्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि कंगना अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए हेट स्पीच से हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। जी हाँ, तो अब कंगना रनौत भी कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। हम जल्दी दुआ करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाएं। आप भी दुआ कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।